हाय फ्रेंड्स, मैं हूं किशन के बालसरा। मेरी यूट्यूब चैनल द डिजाइनर ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है वो दबा के रखिए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइल्स का डिस्प्ले कैसे करें। भाई आपके पास सैंपल आ गए हैं, आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, लेकिन आपका डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर को इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उस चीज से। कैसे आपने टाइल लगाया उसके ऊपर डिपेंडेड है सब। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक 12:18 हो, 2x4 हो, 2x2 हो, उसका डिस्प्ले आप कैसे करें। आपने वहाँ पे शोरूम डाला है लेकिन आपको मालूम नहीं है डिस्प्ले कैसे करें, टाइल्स के पीछे लगने वाला जो केमिकल है वो कैसे यूज करें। तो आज मैं पूरे का पूरा आपको वो वीडियो समझाना चाहता। आप ये दो डब्बे देख रहे हैं मेरे हाथ में, तो ये है ना एरोडाइल कंपनी के डब्बे है दोनों, आप देख सकते हो। इसको हार्डनर बोलते हैं, इसको रेजिन बोलते हैं। तो ये दोनों मिक्स करके आप टाइल के पीछे लगा सकते हो। उसके बाद आपको जो, और ये है वेलक्रो। हार्डनर को आप किसी भी बर्तन में या तो टाइल्स के ऊपर आप ऐसे दोनों का पेस्ट करके ऐसे केमिकल बना सकते हो। बाद में आता है वेलक्रो। वेलक्रो आप कैंची से कट करके छोटे छोटे पीसीस में कट कर देना है इसको। ये आप मार्केट में लेने जाओगे तो है ना 300-350 रुपये एक रोल की प्राइस है। ये दोनों मिला के 1100 रुपये के करीबन आपको मार्केट में मिलेंगे। तो ये दोनों का पेस्ट करके आपको पीछे ये लगाना, जैसे हमने इधर लगाया है ये आप देख सकते हो। अभी मेरा है ना 2x4 का डिस्प्ले का काम चालू है, तो ये हमने एक टाइल के पीछे 4 वेलक्रो ऐसे लगाए हैं, आप सभी जगह पे देख सकते हो। तो 2x4 में 4 इनफ है, छोटे छोटे पीसीस करके हमने लगाया है। दूसरा एक वेलक्रो और आता है, ये गम वाला वेलक्रो रहता है। ये जो हम मैं निकालूंगा तो इसके पीछे टाइल्स के पीछे लगाना है, तो ये ऐसे फटाक से लग जाएगा। लेकिन इसका मजबूती इतने जितना नहीं है, इसका जो मजबूती है टाइल्स के पीछे आपको 2x4 का 8 फीट तक हाइट तक लेके जाना हो तो ये नहीं रह सकता, ये रह सकता है। ये मेरे पास है वो 12:18 का टाइल है, इसके पीछे आप देख सकते हो मैंने 4 वेलक्रो के जो है वो लगाए हैं। अब ये पूरा मेरा कैसे भी है, अब मैं आपको इसमें कैसे डिस्प्ले होता है। तो नीचे कलर आता है डार्क, हमेशा आता है 12:18 में, तो इसका ऐसे इंस्टॉल होता है। दो पीस इधर लगेगा, दो पीस इधर लगेगा। तो ये वेलक्रो के हिसाब से ये चिपक जाएगा, इसमें आपको टूटने का या पीस गिरने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। जहाँ तक आपका कैसेटी का हाइट है वहाँ तक ये मिलता जाएगा। बीच में मैं हाइलाइटर का दे रहा हूँ पूरा लाइन, तो बीच में हाइलाइटर आएगा। तो ऐसा आपका डिस्प्ले हो तो कस्टमर आपके पास आएगा, आपका डिस्प्ले देखेगा, उतना ही आपको आपके वहाँ से उनको ज़्यादा माइंड में सेट होगा कि भाई पूरे बाथरूम का दीवार है या तो पूरा बाथरूम का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से अपने घर में सजा धजा के बनाए बाथरूम। ये पूरा ऐसे लग जाता है, ये पूरा है जो पीछे हमने मैट यूज़ किया है। ये आपके कैसेटी में होगा, अगर नहीं है तो इसका कापड़ आता है मार्केट में, या पूरा रोल इसका ले सकते हो, वो भी 10-11 रुपए पर स्क्वायर फीट गिरता है। तो ये पूरा मैंने डिस्प्ले बना के रखा है, ये सब मेरे डिस्प्ले मैंने ऐसे ही बनाए हैं। ये सब वेलक्रो के, ये वेलक्रो से लगाए हुए पीसी से। इसमें आप 2x4 के पीछे भी वेलक्रो लगा सकते हो, 4x8 के पीछे भी वेलक्रो लगा सकते हो। जैसे अब ये एलिवेशन टाइल मेरा दिख रहे हो तो पूरा दीवार मैंने एलिवेशन का कर दिया है, तो वो भी वेलक्रो से ही सब लगा है। तो ऐसी और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाजू में जो बेल आइकन है वो दबाइए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मोरबी में आए हो तो हमारा शोरूम का एड्रेस भी मैं आपको बता दूंगा। हमारा शोरूम का नाम है एजेक टाइल्स। हमारा शोरूम 8 नेशनल हाईवे नियर ऑनेस्ट होटल लालपुर मोरबी में है। मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने मेंशन करता हूँ, 7575084349। आपको टाइल्स, सैनिटरी या होम सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हो। और मेरे बहुत सारे नए वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।